आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने, जम्मू कश्मीर को हासिल विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाले भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक संविधान संशोधन और प्रस्ताव पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि भारत सरकार का तब का फैसला संविधान के आईने में किस हद तक सही था। ऐसे में यही सही समय है याद करने का कि तब किन राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन और किन्होंने इसका विरोध किया था। 5 अगस्त को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को बेअसर करने को लेकर आए गए भारत सरकार के प्रस्ताव और राज्य पुनर्गठन बिल को लंबी बहस के बाद ऊपरी सदन से पारित करा लिया गया। समर्थन में 125 तो विरोध में 61 सांसदों ने वोटिंग की थी। वहीं अगले दिन 6 अगस्त को लोकसभा में ये प्रस्ताव और विधेयक चर्चा के लिए रखा गया। दिन भर की बहस के बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाला बिल यहां 370 के समर्थन में पारित हो गया। विरोध में इसके 70 लोगों ने मतदान किया था। वहीं 370 को लगभग निरस्त करने और राज्य को मिले विशेष अधिकार को छीनने वाले प्रस्ताव को निचले सदन में 351 सांसदों का साथ मिला, जबकि 72 सांसदों ने सरकार के कदम को अनुचित बताते हुए रिजोल्यूशन के खिलाफ मतदान किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तब कुछ ऐसे भी दलों का साथ मिला था जो परंपरागत तौर पर बीजेपी की पार्टी लाइन के खिलाफ वोटिंग करते रहे हैं या फिर वो थोड़ा तटस्थ रुख अपनाते हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो कि अब भारत राष्ट्रीय समिति है ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को लेकर लाए गए बिल का समर्थन किया था। इसके अलावा ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक यानी AIA, DMK, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल ने भी सरकार का साथ दिया था। भारत सरकार के कदम का विरोध करने वाली सबसे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन समय के साथ कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे पर पुराना स्टैंड थोड़ा नरम पड़ता चला गया। कांग्रेस के अलावा ज्यादातर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पुरजोर तरीके से भारत सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही CPI, CPIM, DMK, MDMK और राष्ट्रीय जनता दल ने भी बेधड़क बिल के खिलाफ वोटिंग की थी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी होते हुए भी ने संसद में लाए गए प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन पार्टी वोटिंग में शामिल नहीं हुई। जदयू में वोटिंग के समय संसद से वॉकआउट कर दिया था। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी जदयू की तरह ही दोनों सदनों में सरकार के इस मुद्दे पर खिलाफत की थी, लेकिन बिल पर वोटिंग के दौरान TMC के सांसद सदन से बाहर चले गए। नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी NCP ने भी विरोध का रास्ता चुना और सदन से बाहर चली गई। हालांकि ये ध्यान रहे कि तब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा, जदयू, समाजवादी पार्टी और NCP से कुछ ऐसी ही आवाजें आई थी जिन्होंने अपनी पार्टी के स्टैंड से इतर सरकार के कदम की तारीफ की थी।